हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी बुक 2 मॉड्यूल 5 द लिविंग वर्ल्ड का लेसन नंबर 22 द लाइफ प्रोसेस का पार्ट कवर अप करने वाले हैं, जो बायोलॉजी का चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन। The distribution of food and oxygen to all parts of the body, as well as removal of body waste, is performed by a transport system within the body of all living organisms. Our body also secretes many hormones, which have to be carried to their target organs. They flow of blood or lymph within the body for transport purpose is termed circulation, and the organs for circulation constitute circulatory system. हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन उस चीज को बोलते हैं कि जो भी एक चीज है उसको दूसरी जगह पे ले जाना होता है, एक प्लेस से दूसरी जगह पे, उसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ये सिंपल हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ना है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो रहा है। तो भी जो भी हम लोग खाना खाते हैं या फिर जो भी फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है, यहाँ से वहाँ ले जाना होता है, फिर बॉडी से हमारे वेस्ट को रिमूव करना होता है, वो सब एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। हमारा जो बॉडी है बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है और उसके बाद उसके टारगेट ऑर्गेन्स तक उसे पहुंचाता है। और जैसे ब्लड और लिम्फ, ये सब जो हमारे बॉडी में फ्लड है, उसे भी ये ट्रांसपोर्ट करता है सर्कुलेट करने के लिए। और ये सब कैसे होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के हेल्प से। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स, हम लोग प्लांट्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रूट्स ऑफ प्लांट्स टेक अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। हाउ डज दिस मूव अप फ्रॉम रूट्स टू लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस? यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स, जाइलम एंड फ्लोएम इन लेसन 21। ट्रैकीज एंड बेसल्स, विच आर नॉन लिविंग सेल्स ऑफ जाइलम, ट्रांसपोर्ट वाटर पिक अप बाय रूट हेयर्स फ्रॉम सॉइल टू द लीव्स। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल टर्म्ड एसेंट ऑफ सैप इज अगेंस्ट ग्रेविटी एंड इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ लॉट ऑफ वाटर एवेपोरेट्स एज वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमाटा। दिस एवेपोरेशन क्रिएट्स अ वैक्यूम एंड पुल्स ऑफ वाटर थ्रू द जाइलम। दिस इज ट्रांसपिरेशन पुल। अब हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से टेकअप करते हैं। ये कैसे होता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस तो लीव्स कर रहा है, लेकिन जो रूट्स है वो वाटर एंड मिनरल्स को टेकअप कर रहा है। तो हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं कि ये प्लांट्स में दो कंडक्टिंग टिश्यूज होता है, एक का नाम जाइलम और दूसरे का नाम फ्लोएम होता है। ये हम लोग लेसन 21 में पढ़ चुके हैं। ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर विच आर नॉन लिविंग ऑफ सेल्स। देखिए, जो ट्रैकेट्स और जो वेसल्स होता है वो जाइलम का नॉन लिविंग सेल्स होता है, और ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेयर से मदद, रूट हेयर से मदद करता है, और ये फिर सॉइल से होते हुए लिप्स तक जाता है। और जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, ऐसे तो हम लोग जाते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल के जो हम लोग ग्रेविटेशनल पुल फोर्स है हम लोग की पृथ्वी में लगता है, उसके कारण जो भी चीज़ है वो ऊपर से नीचे जाता है। लेकिन जो रूट हेयर है वो क्या करता है, अपवर्ड मूवमेंट करवाता है अपने जो भी वाटर एंड मिनरल्स, उसको सॉइल से लेता है। इसे एसेंट ऑफ सैप के नाम से जाना जाता है, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है, और ये ऐसा क्यों होता है, ट्रांसपिरेशन पुल के कारण। ये ट्रांसपिरेशन क्या है, तो ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारा वाटर एवेपोरेट्स होता है स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है। और ये जो एवेपोरेशन है वो वैक्यूम क्रिएट कर देता है, और जिसके कारण जाइलम वाटर को पुलअप कर लेता है, इसी को ट्रांसपिरेशन पुल बोला जाता है। अब देखेंगे ट्रांसपिरेशन ऑफ फूड मटेरियल। हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पर, हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। सुगर्स एंड अदर फूड मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज्ड इन द लिप्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। सीव ट्यूब्स आर लिविंग सेल्स ऑफ द फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लिप्स टू द अदर parts of the plant is called translocation. This food may then be stored in fruits, stems or roots. देखिए transport of food materials कैसे होता है, जो भी sugars या फिर food molecules जो कि leaves के द्वारा synthesize किया जाता है, उसे transport किया जाता है plants के other part में phloem के through, और इसमें sieve tubes पाया जाता है कि जो कि living cells होता है phloem का, वो क्या करता है, food को transportation करवाता है। transport जो भी होता है food material वो leaves से अदर प्लांट्स के पार्ट, प्लांट्स के अदर पार्ट्स में होते हैं, और इस चीज को ट्रांसलोकेशन बोला जाता है।
देखिए ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन का यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लिप्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और ये जो फूड है वो फिर फ्रूट्स के रूप में या फिर स्टेम्स या रूट्स के रूप में स्टोर होता है। यहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है 22.4 में कि यहाँ पे रूट लेयर से कैसे यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, यहाँ पे कैसे फ्लोएम से फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, नाउ वी हैव अ न्यू टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड मस्कुलर पंप कॉल्ड हार्ट एंड ब्लड वेसल्स विच आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कनेक्टेड टू द हार्ट। तो ह्यूमन के जो एक मस्कुलर पंप है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, उसे हार्ट बोलते हैं, और ब्लड वेसल्स जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो हार्ट से कनेक्टेड होता है। ब्लड वेसल्स आर ऑफ थ्री काइंड्स, और जो ब्लड वेसल्स है उसके थ्री काइंड है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम हीट हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज है वो ब्लड को कैरी करता है हार्ट से लेके पूरे वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में वो कैरी करता है ब्लड को। आर्टरीज वेन्स ब्रिंग ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द हार्ट। और वो वेन्स का क्या काम है कि वो ब्लड को दूसरे पार्ट बॉडी के दूसरे पार्ट से हार्ट तक पहुँचाता है। कैपिलरीज Thin vessels between the artery and the vein, the capillaries allow the exchange of materials between blood and tissues. जो capillaries है वो artery और vein के बीच का पतला सा vessels है, और ये क्या करता है कि exchange allow करता है, मतलब ये permission देता है exchange करने का material का blood और tissues के बीच में से। और एक circulating fluid होता है, वो blood होता है, tissue fluid होता है and lymph होता है। Heart Heart is a powerful muscular organ lying between lung. It is four chambered to right and left atria, singular इसको atrium बोला जाता है, also called auricles, and to right and left ventricles. Here is the figure of heart. Figure 22.7a shows the diagram of human heart. तो आप लोग human heart को थोड़ा सा carefully इसके labeling करने का तरीका इसके diagram को देख लेना। हार्ट एक बहुत ही पावरफुल मस्कुलर ऑर्गेन है जो कि लंग के बीच में सिचुएटेड है, और इसके फोर चैम्बर है, दो लेफ्ट और राइट आर्टियम और दो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स। द हार्ट इज मेड ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स आल्सो कॉल्ड कार्डियक मसल फाइबर्स विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑल द टाइम विदाउट गेटिंग टायर्ड। तो हार्ट है जो हार्ट है हम लोग का वो स्पेशल मसल सेल्स से बना हुआ होता है, जिसे कार्डियक मसल फाइबर्स बोला जाता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहता है बिना थके हुए। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फॉलोज अ रिथम कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट पंप्स ब्लड इन टू द ब्लड वेसल्स। अब जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है उसे एक रिथम पैदा होता है, एक रिथम आवाज होता है, उसे हार्ट बीट बोला जाता है। और जो हार्ट है वो ब्लड को क्या करता है, ब्लड वेसल्स में पंप करता है। रिथमिक हार्ट बीट रिजल्ट्स इन द प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द वेरियस ऑर्गन्स बाय मींस ऑफ ब्लड। इन 1 मिनट नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स। एबनॉर्मलिटीज इन ह्यूमन हार्ट बीट कैन बी सीन बाय चेकिंग ECG और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम फिगर 22.7b। अब क्या है कि जो हार्ट का जो रिथमिक हार्ट बीट होता है वो क्या करता है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। किस चीज़ का, तो ब्लड का दूसरे ऑर्गन से कनेक्टिविटी वो बनाए रखता है। और एक मिनट में जो नॉर्मल इंसान है उनके दिल 72 टाइम्स धड़कते हैं, और जो भी अगर हमारे हार्ट में एबनॉर्मलिटीज आ जाए उसे हम लोग ECG के द्वारा देख सकते हैं, इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोला जाता है। ये फिगर 22.7 के बी में बहुत अच्छे से शो किया हुआ है। The oxygen-laden blood from the left ventricle gets pumped into a large artery called aorta. It carries oxygenated blood to all parts of the body. The general plan of human circulatory system is given and given in figure 22.8. यहाँ पे figure 22.8 में यहाँ पे figure दिया हुआ है general plan of the human circulatory system. यहाँ पे human में जो circulatory system है उनका circulation कैसे हो रहा है वो इस फिगर में अच्छे से शो किया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन लेडन ब्लड होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है वो क्या हो करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके वो लार्ज आर्टरी जिसे एरोटा भी बोला जाता है वहां पे जाता है, और यहाँ से जो ऑक्सीजनेटिक ब्लड है वो दूसरे बॉडी पार्ट में जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर, वॉट इज ब्लड प्रेशर, इट इज द फोर्स विथ विच ब्लड पुशेस अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। इट इज जनरली मेजर इन टर्म्स ऑफ हाउ हाई इट कैन पुश अ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। प्रेशर ऑफ ब्लड इन साइड द आर्टरीज इज हाईएस्ट इन अ हेल्दी यंग ह्यूमन बींग। इट इज अबाउट 120 मिली
meters of mercury, 120 mmHg. When the ventricles relax, pressure of blood inside the arteries comparatively less. It is about 80 millimeters of Hg, 80 millimeter Hg. So, ऐसे लिखा भी जाता है. In a healthy young man, does a healthy young man has a normal blood pressure of 120 per 80 millimeter of Hg? The instrument used to measure blood pressure is called sphygmomanometer. ब्लड प्रेशर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि एक ऐसा फोर्स है जिससे जो ब्लड है वो जितने बार में वो आर्टरीज के वॉल्स को पुश करेगा उसे ब्लड प्रेशर बोला जाता है. और ये कैसे मेजर हो सकता है, तो ये कितना एक बार में एक कॉलम ऑफ मर्करी को ये पुश कर सकता है. जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो भी इन आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो हाईएस्ट लेवल पे उसे वो शो करता है. और एक हेल्दी ह्यूमन बींग में जो एक हेल्दी ह्यूमन बींग का जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी. और जब ये वेंट्रिकल्स रिलैक्स होता है तो जो अंदर का जो ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर बनता है वो कितना बनता है, उससे कम बनता है. जब वो रिलैक्स होता है तो 80 बनता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 120 बनता है. तो इन अ हेल्दी यंग मैन, जो एक हेल्दी पर्सन है उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल कितना होता है, 120 पर 80 mm ऑफ Hg. और ब्लड प्रेशर को मापने की जो मशीन आती है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है. पल्स रेट, द सिस्टमैटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट कैन बी फेल्ट एज अ जर्क इन सर्टेन आर्टरीज लाइक द रेडियल आर्टरी इन द रिस्ट एंड नेक आर्टरी बिलो द जॉ, विच आर स्पेशियल सुपरफिशियल इन पोजिशन. दिस इज कॉल्ड आर्टरी पल्स. पल्स रेट इज द सेम एज द रेट ऑफ हार्ट बीट. अब जो पल्स रेट होता है उसे कैसे मापा जा सकता है, तो जो सिस्टमैटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट का, जैसे हम लोग हार्ट जग महसूस करते हैं आर्टरीज का, वैसे यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग नेक के नीचे एक आर्टरी दिया रहता है, जॉ के नीचे वहाँ पे हम लोग टच कर सकते हैं, या फिर किसी के पर्सन के हैंड के पास वहाँ पे हम लोग टच करके पता कर सकते हैं कि जो इंसान है उसका पल्स रेट कैसा है. और पल्स रेट उतना ही होता है जितना एक नॉर्मल पर्सन का हार्ट बीट होता है. Here is the question, in text question 22.6, try to solve this question. Circulatory medium. Our body has three different types of blood. Blood found in heart and blood vessels, arteries, veins and capillaries. Tissue, blood found in spaces between cells in organs. Lymph found in lymph vessels and lymphatic organs, example spleen and tonsils. So, our सर्कुलेटरी सिस्टम मीडियम है वो कितना है, तीन है. ब्लड जो कि हार्ट और ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, टिश्यू जो कि सेल्स के बीच में, जो भी ऑर्गन सेल्स के बीच में जो भी स्पेस होता है वहां पे पाया जाता है, और जो लिम्फ है वो क्या होता है, लिम्फ वेसल और लिम्फेटिक ऑर्गन्स में पाए जाते हैं. ब्लड ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी. इट इज मेड अप ऑफ अ ब्लड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच फ्लो टू टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स कॉल्ड रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स कॉल्ड ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द बोन मैरो. यहाँ पे फिगर 22.9 में टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है. तो जो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है, और ये ब्लड मीडियम को प्लाज्मा से बना हुआ होता है. और ये टू टाइप्स का ब्लड सेल्स होता है, एक रेड ब्लड सेल्स और दूसरा व्हाइट ब्लड सेल्स. और इसमें सेल फ्रेगमेंट्स भी पाए जाते हैं जिसे ब्लड प्लेटलेट्स बोला जाता है. और जो ब्लड सेल्स है वो बोन मैरो में मैन्युफैक्चर होता है. रेड ब्लड सेल्स also known as erythrocytes. Red blood cells को erythrocytes के भी नाम से जाना जाता है. These are circular in shape and contain a red color pigment called hemoglobin. No nucleus is present in RBC. RBC carry oxygen to tissues and bring back carbon dioxide from tissues. तो जो red blood cells है वो circular in shape होते हैं और red color के pigment उसमें पाए जाते हैं जिसे hemoglobin के नाम से जाना जाता है. उसमें कोई भी nucleus नहीं होता RBC में, और जो RBC है वो oxygen को क्या करता है, carry करता है tissue से और फिर वहां से carbon dioxide को back करता है, bring back करता है. White blood cells also known as leukocytes. जो white blood cells है उसे leukocytes के भी नाम से जाना जाता है. Since they carry no pigments, they are colorless, they have irregular shape, they prevent body from infection by eating up germs or by producing antibodies to fight antigens. तो white blood cells में कोई pigment नहीं होता, तो ये colorless होते हैं. इनका जो shape होता है वो irregular होता है. और ये क्या करते हैं, बॉडी के इन्फेक्शंस को ईट करते हैं, जैसे कि जर्म्स हो गया या फिर कोई भी एंटीबॉडीज है, और ये एंटीजन से फाइट करते हैं. ब्लड सेल्स इज आल्सो नोन एज, सॉरी, ब्लड प्लेटलेट्स इज आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. जो ब्लड प्लेटलेट्स है उसे थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जाना जाता है. दिस आर वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स, दे हैव नो न्यूक्ली, दे पार्टिसिपेट इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो सेल्स का बहुत ही स्मॉल फ्रेगमेंट टुकड़ा होता है, बहुत ही छोटा सा पीस होता है, और इसके अंदर न्यूक्ली नहीं होता, और ये ब्लड के क्लॉट करने में
हेल्प करते हैं. फंक्शंस ऑफ ब्लड ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू द रिलेवेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सम मेडिसिंस व्हेन टेकन इन द बॉडी आर आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ब्लड. तो क्या है, ब्लड का फंक्शन क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हार्मोन्स और जो भी वेस्ट मटेरियल है वो उसके रिलेवेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है. और कुछ मेडिसिन होता है जो कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी ब्लड के थ्रू ही होता है. ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम लोग देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप्स और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में जानेंगे. यहाँ पे यू मस्ट हैव हार्ट डेथ, ब्लड हैज टू बी अरेंज फॉर अ पर्सन अंडरगोइंग अ सर्जरी और इन द केस ऑफ एन एक्सीडेंट और इन केस ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया. दिस अरेंजमेंट इज टू रिप्लेस ब्लड lost from the patient. Injecting blood into the body from outside is called blood transfusion. Blood transfusion is successfully only when the blood of donor who gives blood and of the recipient who receives blood match. And matched blood transfusion causes agglomeration, clumping together of red blood cells due to the which the recipient may even die. On the basis of types of proteins present in the blood, a system of blood groups known as ABO system having four blood groups named AB, A, B and O is recognized in human blood. Antigens present on membrane of RBC of transfused blood is counteracted by antibodies present in the plasma of recipient. तो आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी ब्लड को कब अरेंज किया जाता है, जब कोई पर्सन का सर्जरी हो रहा होता है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया होता है तो उसमें बहुत सारा ब्लड उसके शरीर से निकल गया होता है तो उसे ब्लड की जरूरत पड़ती है. फिर एक ऐसे पर्सन की जैसे थैलेसीमिया की बीमारी है उसे भी ब्लड की जरूरत पड़ सकती है. और ये जो हम लोग जो ब्लड को अरेंजमेंट करते हैं जो कि पेशेंट के बॉडी से ब्लड लॉस्ट हो गया होता है तो उसे हम लोग इंजेक्ट करते हैं दूसरे से ब्लड लेकर. और जो इंजेक्टिंग ब्लड दूसरे का ब्लड लेके दूसरे पर्सन में हम लोग ब्लड को जो इंजेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन. और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब जो ब्लड डोनेट कर रहा है और जो रिसीव कर रहा है उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो. या अनमैच्ड ब्लड ग्रुप से क्या हो गया, अगर हम लोग अनमैच्ड ब्लड ग्रुप को ट्रांसफ्यूज करते हैं वहाँ पे ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वो एक दूसरे से स्टक हो जाएगा जिससे जो रेसिपिएंट है जिसे खून चढ़ाया गया वो मर भी सकता है. और ब्लड में जितने टाइप्स के प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसके आधार पे ब्लड को चार ग्रुप में बांटा गया है जिसे एबीओ सिस्टम के नाम से जाता है. जैसे कि जो ब्लड ग्रुप है उसका नाम हो गया ए बी, ए बी और ओ. और ये ह्यूमन ब्लड है ये सारे. और जो एंटीजेंस है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी के मेम्ब्रेन पे जो कि जो एंटीजेंस होता है वो आरबीसी के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है. और ये फिर जो भी रेसिपिएंट एंटीबॉडीज को रिसीव कर रहा है उसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है. देखिए यहाँ पे ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स एंड देयर कॉम्पैटिबिलिटी, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप कहाँ पे एंटीजेंस प्रेजेंट होता है, कहाँ पे एंटीबॉडीज प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, कौन डोनेट कर सकता है और कौन रिसीव कर सकता है. ब्लड ग्रुप ए एंटीजेंस ए के ऊपर होता है, एंटीबॉडीज बी पे रहता है. इसमें कौन कौन से लोग इसको डोनेट कर सकते हैं ब्लड, तो ए ग्रुप वाले और ए बी ग्रुप वाले. और रिसीव कौन कर सकते हैं, सिर्फ ए ग्रुप वाले और ओ ग्रुप वाले. ठीक है, फिर यहाँ पे है ब्लड ग्रुप बी, एंटीजेंस इस पे बी पे रहता है, इसका एंटीबॉडीज ए पे रहता है. इसका जो ब्लड इसको डोनेट कौन कर सकता है, बी और ए बी. और रिसीव कौन कर सकता है, बी और ओ. ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है उसे उसके जो एंटीजेंस होते हैं वो ए बी पे रहते हैं, इसके एंटीबॉडीज किसी पे नहीं रहते. और इनको कौन डोनेट कर सकता है, ए बी कर सकते हैं. और ये रिसीव कौन कर सकता है, ए बी, ए बी और ओ. ठीक है, और जो ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी उसका जो एंटीबॉडीज एंटीजन है वो किसी पे नहीं होता, इसका जो एंटीबॉडीज है वो ए बी दोनों पे रहता है. और ये किसको डोनेट कर सकता है, ए बी, ए बी ओ. ठीक है, और ये इसका जो पर्सन है वो कौन से रिसीव कर सकता है, ब्लड ग्रुप ओ. द पर्सन विद ब्लड ग्रुप ओ कैन डोनेट ब्लड टू ऑल एंड सो ओ ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर. एंड ए बी ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डोनर्स ऑफ ऑल ब्लड ग्रुप्स एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपियंट. क्या है, जो ऐसा ब्लड ग्रुप जो पूरे दूसरे ब्लड ग्रुप के सारे मेंबर्स को दे सके ब्लड उसे यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है. और वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ. और जो सारे ग्रुप ब्लड ग्रुप के मेंबर्स से अपना ब्लड ले सकते हैं उसे यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहेंगे. और ये कौन सा है, ए बी. लिम्फैटिक सिस्टम, हम लोग पढ़ेंगे
लिम्फैटिक सिस्टम क्या है? लिम्फ इज ऑल्सो सर्कुलेटरी फ्लूइड एंड फ्लोज इन द लिम्फ वेसल्स. इट इज लाइट येलो इन कलर. इट ऑलवेज फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम टिश्यूज टू हार्ट. सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन लिम्फ ईट अप जर्म्स एंड प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन. इट रिटर्न्स प्रोटीन्स एंड सेल्स फ्रॉम सर्कुलेशन ऑफ टिश्यूज. अब जो लिम्फैटिक सिस्टम है उसमें क्या होता है, ये तो येलो इन कलर होता है पहले, फिर ये वन डायरेक्शन में फ्लो करता है टिश्यू से हार्ट की ओर. फिर जो सेल्स होता है लिम्फोसाइट्स इसमें प्रेजेंट, वो क्या करता है, जर्म्स को खाता है और इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचाता है. और ये हमारे बॉडी को प्रोटीन्स और फ्लड्स रिटर्न करता है सर्कुलेशन टिश्यूज के हेल्प से. डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम. अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा जो डिसऑर्डर है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है. हार्ट अटैक. Like all other organs, heart also needs nutrients and oxygen. When artery supply, the heart becomes thick due to age or faulty diet. Consisting of excessive fatty food, muscle health of the heart cannot beat in the proper rhythm. Heart attack occurs when it can be detected in an abnormal ECG. Immediate medical attention is then required. तो हार्ट अटैक में क्या होता है कि जैसे भी जैसे और ज्यादा बॉडी के ऑर्गन है सारे, वैसे जो हार्ट है वो भी उनको भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. जब हार्ट में क्या होता है कि आप गलत डाइट करते हो या फिर जो आपका एज हो रहा है उस कारण क्या होता है कि जो आर्टरीज होता है वो थोड़ा सा उनका जो फैट उसमें फैटी फूड जमा हो गया, फिर जो सेल्स है वो क्या होता है वो अच्छे से उसका जो हार्ट है वो बीट काम नहीं कर पा रहा है, उसका जो रिथम है उसको प्रॉपर नहीं हो पा रहा है. तो इससे क्या होता है कि हार्ट अटैक की बीमारी की समस्या बनी रहती है. और जो भी हार्ट अटैक होता है वो कैसे उसका डिटेक्शन हो सकता है, ECG के द्वारा. और इसे क्योर कैसे किया जा सकता है, तो तुरंत इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है. अनीमिया. व्हेन हीमोग्लोबिन लेवल फॉल्स बिलो अ सर्टेन पॉइंट द कंडीशन इज कॉल्ड अनीमिया. इट मेक्स अ पर्सन वीक एंड लुक पेल एंड इनएक्टिव. आयरन इन डाइट हेल्प्स रिमूव अनीमिया. अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जब आपकी बॉडी से हीमोग्लोबिन का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, और इस कंडीशन को अनीमिया बोला जाता है. और ये एक जो पर्सन है वो उसको बहुत कमजोर बना देता है, उसका जो पूरा शरीर है वो येलोइश टाइप का बना देता है, और जो पर्सन है वो इनएक्टिव, मतलब कि उसे कोई काम भी करने में मन नहीं लगेगा. और ये अनीमिया कैसे ठीक किया जा सकता है, तो डाइट में अपने आयरन को खा करके. ल्यूकेमिया. दिस इज ब्लड कैंसर. द बोन मैरो मेक्स एक्सेसिव WBCs एंड फ्यू RBCs. ल्यूकेमिया क्या है, एक ब्लड कैंसर है, और ये क्या करता है, जो बोन मैरो है वो WBCs ज्यादा बनाने लगता है और RBCs को बनाना कम कर देता है. हाइपरटेंशन. इट इज अनदर टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड लीड्स टू हेडेक, डिजीनेस एंड फैटिक. नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80. प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन एंड टेंसोफ्रामाइन्स हेल्प टू क्योर हाई ब्लड प्रेशर. हाइपरटेंशन को क्या है कि एक अनदर टर्म है किसके लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए. इसमें क्या होता है, शरीर में दर्द होता है, डिजीनेस होता है, फैटिक होता है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. और जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर वो इंसान का कितना है, 120/80 mmHg है. और इसमें प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज या फिर मेडिसिन लेके और फिर टेंशन फ्री रह के आप अपने हाई ब्लड प्रेशर ठीक कर सकते हो. एंड टेक्स्ट क्वेश्चन 22.7, ट्राई टू सॉल्व इट. रेस्पिरेशन. वी हैव अनदर टॉपिक, रेस्पिरेशन. वी कैन लिव विदाउट विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज, बट वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग इवन फॉर शॉर्ट वाइल. ब्रीथिंग प्रोवाइड्स ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ आवर बॉडी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन ऑर्डर टू जनरेट एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज. तो हम लोग फूड के बिना कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम लोग बिना सांस लिए कुछ क्षण तक ही जीवित रह सकते हैं. जो ब्रीदिंग है क्या करता है, हम लोग ऑक्सीजन सेल्स को, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी का जनरेशन होता है. और हम लोग जितने भी वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं करते हैं, वो सब ऑक्सीजन की हेल्प से करते हैं. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. Plants do not have any special respiratory organs. Roots take in up oxygen from air trapped in the soil by means of root hairs. Root hairs are embedded into the soil. Oxygen in the air surrounding them diffuses into the root hair and from there into the roots. Carbon dioxide given out similarly diffuses out throughout roots. Stomata and lips open to let in oxygen and release carbon dioxide in the older parts of the roots or bark of woody plants. Tiny openings called lenticles are present. It is through these lenticles that oxygen reaches the inner living tissues and carbon dioxide moves out. तो हम लोग प्लांट्स का रेस्पिरेटरी को देखे, जो प्लांट्स का है उसका कोई भी स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता. जो रूट्स है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को एयर से ट्रैप करता है और फिर कैसे करता है, तो उसमें रूट हेयर्स होता है उसके हेल्प से करता है. और जो रूट हेयर है वो क्या करता है, सॉइल को एम्बेड करता है. उसके बाद जो ऑक्सीजन है हमारे सराउंडिंग्स में डिफ्यूज करता है रूट है, और उसको वो रूट से ऊपर ले जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बाद उसको गिव आउट कर सकता है, करता है. सिमिलरली जो
जो रूट हेयर है वो जो डिफ्यूजन कर रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड का करता है, और जो स्टोमाटा है वो लिप्स को ओपन करता है ताकि जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो सके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन अंदर जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सके। और जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट्स या बाग से कोई भी वुडी प्लांट्स के, उसमें टिनी ओपनिंग्स होता है, उसे लेंटिकल्स बोला जाता है, और जो कि प्रेजेंट होते हैं, और लेंटिकल्स के द्वारा जो ऑक्सीजन होता है वो इनर लिविंग टिश्यूज तक प्लांट्स के पहुंच सकते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को मूव करते हैं। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, फिगर 22.10, इसमें दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, सो इनर एंड आउटर सर्फेस। Guard cells helps in the opening and closing of stomata. When guard cells get filled up with water, they swell and become turgid. The two guard cells curve away from each other, opening the stomata. When guard cells become flaccid, a stoma closes. Minerals also play a role in making guard cells turgid or flaccid. जो गार्ड सेल्स है वो क्या करते हैं, स्टोमाटा के क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करते हैं। जो गार्ड सेल्स है वो क्या करते हैं, वाटर से फिल अप होते हैं और वो स्वेल करते हैं, फुलते और बिकम टर्गिड, वो सिकुड़ जाते हैं। जो दो गार्ड सेल्स है वो हमेशा कर्व शेप का बनाता है जब स्टोमाटा का ओपनिंग होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओपन स्टोमाटा है, यहाँ के बीच में आपको कर्व शेप दिख रहा होगा इस साइड से, इस साइड से, ठीक है। और जो गार्ड जब से वो सिकुड़ता है तो क्या होता है, स्टोमा आता है, क्लोज हो जाता है। और जो इसमें मिनरल्स है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गार्ड सेल्स को टर्जिड और फ्लैसिड बनाने में, मतलब कि इसको सिकुड़ने में और फैलने में, ठीक है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, हम लोग यहाँ पे देखेंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन में भी डिवाइडिंग टू टू स्टेप, रेस्पिरेशन उसको टू स्टेप में बताया गया है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स इनहेलेशन ऑफ एयर कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ब्रीदिंग में उसमें क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ग्लूकोज एंड इट कन्वर्जन इनटू एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट द एनर्जी मॉड्यूल। तो इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी हम लोग के बॉडी में जो ग्लूकोज पैदा होता है उसका ऑक्सीडेशन करता है, उसके बाद वो उससे एनर्जी रिलीज करता है और इनका कन्वर्जन करता है वो एटीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, जो कि एक एनर्जी मॉड्यूल है। रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग, जो रेस्पिरेशन है और जो ब्रीदिंग वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ये मत समझिएगा कि जो रेस्पिरेशन है और जो ब्रीदिंग है वो सेम है, इसमें बहुत ही डिफरेंस है। यहाँ पे देखते हैं कि डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट बाय डिफ्यूजन, इट टेक्स प्लेस इन द लंग्स। ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी विच टेक्स प्लेस इन द सेल्स अलोंग द रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज। तो जो ब्रीदिंग है वो फिजिकल प्रोसेस है, इसमें से क्या होता है कि रेस्पिरेटरी गैसेस जो भी रेस्पिरेटरी गैस होते हैं उनका एक्सचेंज होता है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में। कैसे होता है, तो डिफ्यूजन के हेल्प से, और ये लंग्स में टेक प्लेस कर सकता है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है फूड को और सेलुलर एनर्जी रिलीज करता है जो कि सेल्स में टेक प्लेस होता है, और कैसे होता है, रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज के साथ होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स हैज द फॉलोइंग पार्ट्स, यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है। यहाँ पे फिगर में 22.11 में दिखाया गया रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, आप इसको ध्यान से देखना, इसके लेवलिंग को ध्यान से समझ लेना। एक्सटर्नल लेयर्स और नॉस्ट्रिल्स, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका नॉस्ट्रिल्स है, ये यहाँ पे नेवल कैविटी के पास आपको, नजल कैविटी के पास आपको नॉस्ट्रिल्स है। नजर कैविटीज इन साइड द नोज, जो नजर कैविटीज होता है वो नोज के इन साइड में होता है। इंटरनल नोस्ट्रिल्स ओपनिंग इनटू फैरिंग्स, जो यहाँ का जो नोस्ट्रिल्स है इनका जो ओपनिंग्स होता है वो कहाँ पे होता है, फैरिंग्स के पास होता है, ठीक है। फैरिंग्स दैट लीड्स इनटू द विंड पाइप और ट्रैकिया, जो फैरिंग्स होता है वो विंड पाइप या ट्रैकिया से क्या होता है, लिंक्ड होता है। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांच, वन ब्रोंकस विच लीड इनटू द टू लंग्स, जो ट्रैकिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और वो दोनों लंग्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। The opening of the pharynx into the trachea is called glottis. Trachea is thin walled, but it was to not collapse even when there is not enough air in it, as it is supported by rings of cartilage. Trachea bifurcates into branchiae. देखिए यहाँ पे जो फारिंग्स का जो ओपनिंग होता है उसे क्या बोला जाता है, ग्लॉटिस बोला जाता है, और जो ट्रैकिया है वो बहुत ही पतले वॉल से बना हुआ होता है, लेकिन ये कोलैप्स नहीं करता जब हमारे अंदर इनफ एयर भी नहीं होता, तब भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कार्टेज के द्वारा
सपोर्टेड किया रहता है, और जो उसके में जो ट्रैक किया वो क्या कहता है, वो बाइफोकेट्स होके ब्रॉन्की में डिवाइड हो जाता है। लंग्स इंक्लोज विद इन देम ब्रांचेस ऑफ ब्रॉन्की कॉल्ड ब्रोंकियोल्स व्हिच ब्रांच फर्दर एंड एंड इन वेरी थिन वॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एयर सैक्स और एल्वियोली सिंगल एल्वियोलस सी द फिगर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम द वॉइस बॉक्स ऑफ लैरिंग्स इज प्रेजेंट इन ऑन द ट्रैकिया। देखिए जो हमारा जो लंग्स होता है वो ब्रॉन्चियोस में ब्रांचेस इसके ब्रॉन्चियोस तक पहुंच जाते हैं, और जो ये है ये फिर से जो हमारा ब्रॉन्चियोस है वो डिवाइड हो जाता है, और ये इसे एयर सैक्स बोला जाता है या फिर एल्वियोली बोला जाता है। इसमें यहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखेगा, जो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स होता है वो ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और वेंटिलेशन ऑफ लंग्स लंग्स आर लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी और द थोरैक कैविटी बिलो द चेस्ट कैविटी इज द एब्डोमिनल कैविटी दिस टू कैविटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ डोम शेप्ड वाइडली आर्क मस्कुलर शीट कॉल्ड डायफ्राम द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम हेल्प्स इन ब्रीदिंग ब्रीदिंग ऑल्सो कॉल्ड वेंटिलेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जो लंग्स होता है वो चेस्ट कैविटी और थोरैक कैविटी के पास में लोकेट होता है। इसके जो चेस्ट कैविटी है उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी होता है, और जो ये दोनों कैविटी है वो किससे सिक्योर होते हैं, सेपरेट होते हैं, डोम शेप मस्कुलर शीट जिसे डायफ्राम बोला जाता है। और जो डायफ्राम होता है वो क्या चेक महल मूवमेंट करता है ब्रीदिंग में, ठीक है, और जो ब्रीदिंग है उसे वेंटिलेशन में बोला जाता है, और जो वेंटिलेशन है उसे दो प्रोसेस में बांटा गया है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। Inhalation drawing the air inwards as a result of increase in the volume of the thoracic cavity, thus increase is caused by the changes that take place in the position of diaphragm and ribs. Diaphragm straightens out due to contraction of its muscles. Ribs are raised upward and outward, and volume of chest cavity enlarges by contraction of rib muscles. As volume of chest increases, pressure of air in it decreases. Atmospheric air rushes in and reaches the alveoli. The brings in oxygen which diffuses into the capillaries from the alveoli. इनहेलेशन में क्या होता है कि हम लोग एयर को इनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, और इससे क्या होता है जो थोरैक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है, और ये जो इंक्रीज होता है वो कैसे जो चेंज करता है डायफ्राम के और रिब्स के पोजीशन को। डायफ्राम स्ट्रेटन्स आउट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मसल्स, जो डायफ्राम है वो स्ट्रेटन्स आउट हो जाता है, मतलब कि बाहर की ओर निकल जाता है, क्यों, क्योंकि उसका जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब फैलता है, और जो रिब्स होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन और आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर रेज हो जाता है, और जिसका चेस्ट कैविटी होता है उसका वॉल्यूम एनलार्ज होता है क्योंकि इनके जो रिब मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जैसे कि इनकी जो चेस्ट इंक्रीज जो चेस्ट का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करता है, इससे जो ब्लड जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। एटमोसफेयर क्या का जो एयर है वो क्या करता है एल्वियोली की में रस मतलब जाता है और रीच करता है एल्वियोली तक, और ये क्या करता है ऑक्सीजन को डिफ्यूज करवाता है कैपिलरीज और एल्वियोली में। एक्सहेलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैक कैविटी। एक्सहेलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी आपका थोरैक कैविटी है उसका वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। दिस डिक्रीज इन द वॉल्यूम इज कॉज्ड व्हेन diaphragm relaxes and resumes its dome shape, arching upwards, ribs are lower downwards and inwards, thoracic cavity is compressed and the pressure inside the lungs is increased. The alveolar carbon dioxide diffuses out and is pushed out through the trachea and nose. This breathing out of carbon dioxide laden air is called exhalation. If you take long breaths, you can feel your chest go up and down. तब क्या होगा कि जो जो आपका डायफ्राम है उसका जो वॉल्यूम है उसका डिक्रीज होता है, कब होता है तो जब डायफ्राम रिलैक्स होता है और उसका जो पहले का जो पोजीशन होता है डोम शेप और आर्क किया रहता है वो अपवर्ड्स की तरह उसमें, तब उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और जो रिब्स है वो डाउनवर्ड्स हो जाता है और इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ चला जाता है, जो थायराइड कैविटी है वो कंप्रेस हो जाता है, और जो उनका प्रेशर है वो लंग्स के पास इंक्रीज हो जाता है, जो एल्वियोलर जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होके आउट होता है और क्या होता है ये ट्रैकियर नोज से बाहर की ओर निकलते हैं, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एयर रहता है वो हम लोग के शरीर से बाहर निकलता है उसे एक्सहेलेशन कहते हैं, और जब आप सांस लोगे तो आपको फील होगा कि जो आपका चेस्ट है वो अप एंड डाउन कर रहा है। यहाँ पे आपको फिगर में इस चेस्ट को समझाया गया है डायफ्राम, देखिए फिगर 20.12 हाउ द थोरैक्स चेंजेस शेप ड्यूरिंग ब्रीदिंग।
यहाँ पे आपको ब्रीदिंग में कैसे आपका जो है चेंज हो रहा है वो दिखा रहा है. शेप, ब्रीदिंग रेट penetrates an adult human breath about 16 to 18 times per minute. Breathing rate increases during physical exercise, decreases liver pain and under stress. तो जो एक नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट है वो कितने बार ब्रीथ करता है, 16 टू 18 टाइम्स. और जो ब्रीदिंग रेट कब इंक्रीज होता है, जब आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करो या फिर दौड़ किया हो या फिर साइकिलिंग करो, और या फिर जब आपको डिजीज है, कोई भी बीमारी है, आपको कहीं दर्द हो रहा है, फिर जब आप स्ट्रेस में हो, तो आपका जो ब्रीदिंग रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो गैस है और जो उसका एक्सचेंज ब्लड और टिश्यू के बीच में कैसे हो रहा है. इनहेलेशन फिल्स इन द एल्वियोली ऑफ लंग्स विद ऑक्सीजनेटेड एयर. दिस ऑक्सीजन हैज टू रीच द वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी. दस एज द फर्स्ट स्टेप ब्लड टू कैपिलरीज ऑन एल्वियोली पिक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली एंड कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉट बाय द कैपिलरीज फ्रॉम द टिश्यूज इज एक्सचेंज फ्रॉम ऑक्सीजन. ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू एल्वियोली. इन दिस टिश्यूज ऑक्सीजन गेट्स यूज्ड अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्यूमुलेटेड व्हिच इज नाउ एक्सचेंज्ड फ्रॉम ऑक्सीजन इन ब्लड. द कार्बन डाइऑक्साइड पिक्ड बाय ब्लड फ्रॉम टिश्यूज इज कैरीड टू द हार्ट बाय वेन्स. यहाँ पे फिगर 22.13 में समझाया गया कि यहाँ पे गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है वो ब्लड और एल्वियोली के बीच में कैसे हो रहा है. तो जो हम लोग जब भी एयर को इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो जो हमारे एल्वियोली और जो लंग्स है वहां पे फिल हो जाता है, स्पेस फिल हो जाता है ऑक्सीजनेटेड एयर से. और जो ये ऑक्सीजन होता है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज के पास पहुंचते हैं. और फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो ब्लड कैपिलरीज होता है एल्वियोली के पास, वो ऑक्सीजनेटेड एयर को क्या करता है, पिक करता है उसे एल्वियोली से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कैपिलरी से बाहर निकालता है, जिससे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है. और जो ऑक्सीजन होता है वो डिफ्यूज करता है किसमें, एल्वियोली में. और इस टिश्यू में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक्यूमुलेट होता है, जो कि एक्यूमुलेट होके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होके ऑक्सीजन ब्लड में जाता है. और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लड से पिकअप होकर के टिश्यू से जाता है. और ये इसका जो प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है हार्ट बाय वेंस, मतलब कि ये हार्ट से वेंस के में हमेशा कैरी होते रहते हैं. यहाँ पे आपका फिगर दिया हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन. अब हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन पे देखते हैं थोड़ा सा. वंस इनसाइड द टिश्यूज ऑक्सीजन एक्ट्स अपॉन द डाइजेस्टेड फूड which has reached the cells of the tissues. As a result, energy and carbon dioxide are released. This occurs in the mitochondria of the cells and is called cellular respiration. तो एक बार जब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, टिश्यूज के इनसाइड में जाके जो डाइजेस्टेड फूड होता है ग्लूकोज के रूप में उस वहां तक पहुंचता है. उसके बाद उससे वो एनर्जी जनरेट करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको रिलीज करता है. और ये सब कहाँ होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है. और जो माइट्रोकॉन्ड्रिया में ये सब माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट होता है, और इस चीज को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं. यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बॉक्स में दिखाया गया है, आप लोग इसको पढ़ लेना. हियर इज द इंडेक्स क्वेश्चन 22.8, ट्राई टू सॉल्व इट ओन. नाउ वी हैव नेक्स्ट टॉपिक एक्सक्रीशन. Many chemical reactions take place inside body cells. Some products of these chemical reactions are not needed by the body. They may even be harmful if they accumulate in the body. Their removal from the body is called excretion. बहुत सारे जो ऐसा chemical reactions होते हैं वो हमारे body के अंदर take place करते हैं. उसमें से जो product होते हैं वो chemical reactions के द्वारा कुछ body के लिए जरूरी होते हैं, और उससे कुछ harmful भी होते हैं जो कि हमारे body में accumulate हो सकते हैं. और ये जो हमारे हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो, तो हम लोग एक प्रोसेस करते हैं, जो भी हमारे बॉडी में जो वेस्ट है उसे हम लोग रिमूव करते हैं. इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोला जाता है. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, फिगर 22.14 शोस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो प्लीज केयर अबाउट दिस फिगर. इन ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीशन इज कैरिड आउट बाय एन ऑर्गन सिस्टम नोन एज द यूरिनरी सिस्टम ऑफ और द एक्सक्रीटरी सिस्टम. Two bean-shaped kidneys located below the diaphragm in the abdomen and towards the back. Two excretory tubes or uterus, one from each kidney, one urinary bladder, uterus open into it. जो human beings होते हैं उनका जो excretion जो होता है वो excretory system के द्वारा होता है, ठीक है. और ये जो urinary system और excretory system का यहाँ पे figure दिया गया है, इसी organ के help से excretion होता है. और इनमें क्या होता है कि दो जो दो किडनी होता है वो बीन शेप के होते हैं,
अरे डायफ्राम के और नीचे लोकेट होते हैं ऑब्डोमेन के बैक में। इनमें जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होता है या फिर इसके यूट्रस जो कि देखिए दोनों किडनी से बाहर निकल रहे हैं। इसमें एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक इसमें यूट्रस होता है जो इसका ओपनिंग पार्ट होता है। अमस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा राइजेस फ्रॉम द ब्लैडर, द यूरिनरी ओपनिंग इज एट द एंड ऑफ यूरेथ्रा। अब इसका जो मस्कुलर ट्यूब है ठीक है, तो क्या होता है वो ब्लैडर से अराइज होता है और इसका जो यूरिनरी ओपनिंग है वो यूरेथ्रा के एंड में होता है जिसे यूरिन पास आउट होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। अब जो किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वो नेफ्रॉन होता है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। इसे रेनल ट्यूब्स के भी ट्यूबल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। द कप शेप्ड अपर एंड ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल, हैज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विद इन इट कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस इज अ नॉट ऑफ कैपिलरीज फॉर्मड फ्रॉम द आर्टरी व्हिच ब्रिंग्स ब्लड कंटेनिंग वेस्टेज एंड एक्सेस ऑफ वाटर टू द किडनी। बोमैन्स कैप्सूल स्प्लिट्स इनटू अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन और रेनल ट्यूबुल हैज थ्री सब पार्ट्स। द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पीसीटी, अ थिनर ट्यूब कॉल्ड लूप ऑफ हेनले एंड द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल डीसीटी। ब्लड कैपिलरीज राउंड द ट्यूबुल्स। दोनों जो किडनियां होती है जो क्या उनके ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स को नेफ्रॉन्स बोला जाता है जिसे रेनल ट्यूबुल्स के भी नाम से बोल सकते हैं। और जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है। इसमें कप शेप होता है नेफ्रॉन के ऊपर एंड में, उसे बोमेंस कैप्सूल बोला जाता है। इसके जो बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं कैपिलरीज के जिसे ग्लोमेरुलस बोला जाता है। जो ग्लोमेरुलस होता है वो कैपिलरीज का नॉट फॉर्म में होता है और ये आर्टरी से ब्लड को कंटेन करता है। ब्लड में से जितने भी वेस्ट या एक्सेस ऑफ वाटर है वो सबको कंटेन करता है। जो बोमेंस कैप्सूल होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है। जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन और रेनल ट्यूबुल हैज थ्री, और इसके थ्री पार्ट होते हैं। एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो कि, और दूसरा हो गया थिनर ट्यूबुल को लूप ऑफ हेनले, और तीसरा हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। देखिए यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का पीसीटी शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल का शॉर्ट फॉर्म में डीसीटी दिया गया है। और जो ब्लड कैपिलरीज होता है वो इस ये सब ट्यूबुल से सराउंड होता है, मतलब घिरा हुआ होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल का फिगर 22.15 ए में यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ है। अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन देखते हैं। ब्लड सॉरी फिल्ट्रेशन एंड रीअब्सॉर्बेशन आर टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ब्लड एंटरिंग द ग्लोमेरुलस गेट्स फिल्टर इन द वुमेन्स कैप्सूल एंड इज कॉल्ड द नेफ्रिक फिल्ट्रेट। द रेड ब्लड कॉर्पसल्स एंड प्रोटीन्स डू नॉट फिल्टर आउट, दे रिमेन इन द ब्लड स्ट्रीम। द फिल्ट्रेट एंटरिंग द रेनल ट्यूबुल नॉट ओनली कंटेन्स वेस्ट but also useful substances. The useful substances get reabsorbed from the tubule. Into the blood capillaries surrounding the tubule. Excess water and salts like sodium and chloride also get reabsorbed into the blood from the renal tubule. Thus, waste around which is primarily in the form of urea enters into collecting tubules from various renal tubules. That is the urine. From the kidneys, the urine enters the uterus to reach the urinary bladder where it is temporarily stored. Urine is thrown out periodically through the urinary opening. अब हम लोग देखेंगे कि जो excretion का mechanism कैसा है। तो excretion का दो main process है, filtration और reabsorption. तो जो भी ब्लड ग्लोमेरुल्स के द्वारा एंटर होता है उसके बाद वो फिल्टर होता है वुमेन्स कैप्सूल में, उसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं। और जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है उसमें क्या होता है, प्रोटीन्स जो होते हैं उसका फिल्टर नहीं होता, उसे ऐसे ही आउट कर जाता है। और जो ब्लड स्ट्रीम जो बचे हुए होते हैं उनका फिल्ट्रेशन होता है। और जो फिल्ट्रेट एंट्रिंग मतलब जो भी रेनल ट्यूबल में बेस्ट होता है उसे फिर से फिल्ट्रेट करते हैं जो भी उसमें यूजफुल सब्सटेंस बच गया हो। उसके बाद जो यूजफुल सब्सटेंस है उसका रीअब्सॉर्बेशन हो जाता है और जो ट्यूबों से और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, और जो एक्सेस वाटर उसमें बच जाता है, फिर जो सॉल्ट्स बच गया जैसे सोडियम हो गया क्लोराइड हो गया, इसको फिर से रीअब्सॉर्ब किया जाता है ब्लड में रेनल ट्यूबुल के थ्रू। और जो भी वेस्ट हो गया है उसे क्या किया जाता है, यूरिया के फॉर्म में इसे कलेक्ट किया जाता है ट्यूबुल्स के रिनल ठीक है, इसे
कहाँ पे कलेक्ट किया जाता है? रिनल्स ट्यूबुल में, और इसे यूरिन, ये जो बच गया है वेस्ट पार्ट उसे यूरिन बोलेंगे, और जो किडनीज है उससे जो यूरिन है वो कहाँ पे? यूरेट्रस में जाके पहुंचता है, और यूरिनरी ब्लैडर वहाँ पे टेम्पोरली चीज़ को स्टोर करता है, और फिर जो यूरिन है उसको बाहर निकालने के लिए पीरियोडिकली क्या होता है, यूरिनरी जो सिस्टम है उसको ओपनिंग होता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है स्ट्रक्चर दिया हुआ है किडनी का, सॉरी स्ट्रक्चर और फंक्शन दिया गया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी यहाँ पे है, ये नेफ्रॉन है। इसको भी फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना, कोई परेशानी नहीं होगी। फंक्शंस ऑफ किडनीज, किडनीज नॉट ओनली एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्टेस बट ऑल्सो रेगुलेट द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी, ऑस्मोल रेगुलेशन एंड कीप द नॉर्मल मिनरल बैलेंस इन द ब्लड। व्हेन दिस बैलेंस इज अपसेट अ पर्सन कैन फॉल सिक। तो जो किडनी है वो क्या करता है, सिर्फ नाइट्रोजेनस वेस्ट को एक्सक्रीट नहीं करता है, बट ये वाटर कंटेंट जो भी ऑस्मो रेगुलेशन होता है हमारे बॉडी में उसको आप, ये जो किडनी है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है, और जो हमारा जो भी बॉडी में जो मिनरल है बैलेंस है उसको ब्लड में मेंटेन किया रहता है। और जब ये बैलेंस अगर अपसेट होता, मतलब कि ये बैलेंस बिगड़ जाता है, तो जो पर्सन है वो बीमार हो सकता है। अदर ऑर्गेन्स दैट रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यहाँ पे और भी कुछ ऑर्गेन्स है जो हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं, अपार्ट फ्रॉम किडनीज, लंग्स, स्किन एंड लिवर ऑल्सो रिमूव वेस्ट, स्वेट ग्लैंड्स इन द स्किन रिमूव एक्सेस वॉस, व्हेन वी परस्पायर लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए किडनी के अलावा और भी कुछ पार्ट्स है जो हमारे बॉडी से वेस्ट को रिमूव करते हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, स्किन हो गया, लीवर हो गया, ये सब भी वेस्ट को हमारे बॉडी से रिमूव करते हैं। जो स्वेट ग्लैंड है, जो पसीना है, वो हमारे स्किन से निकलते हैं, और जिससे जो भी सॉल्ट है वो सब भी एक्स्ट्रा निकल जाते हैं जब हम लोग परस्पायर, जब गर्मी के दिन में हमें पसीने आती है, और जो लंग्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरमेंट, पर्सन गेट सिक इफ द बैलेंस ऑफ सब्सटेंसेस सच एज मिनरल आयंस, वाटर और इवन हार्मोन्स इनसाइड द बॉडी इज अपसेट, मेंटेनेंस ऑफ द करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल आयंस इन द ब्लड इज टर्म्ड ऑस्मो रेगुलेशन। एक पर्सन कब बीमार होता है, जब उसके बॉडी में जो भी मिनरल आयंस या फिर वाटर या हार्मोन्स है वो उसका बैलेंस अपसेट हो जाए, और इसका जो करेक्शन होगा, जो भी हमारे बॉडी में जो भी मेंटेनेंस होगा अमाउंट ऑफ वाटर का, मिनरल्स का, वो क्या होगा, ये सब मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑस्मो रेगुलेशन, इसको टर्म किया गया, इसे ऑस्मो रेगुलेशन नाम दिया गया। किडनी फेलियर, डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट, अब हम लोग देखेंगे जब किडनी फेलियर होता है उसका डायलिसिस क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, इस चीज को देखते हैं। सर्टेन डिजीजेस और समटाइम्स एन एक्सीडेंट में लीड टू किडनी फेलियर, सिंस द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इज अ लार्ज एज ऑलमोस्ट 1 मिलियन इन ईच किडनी, अ पर्सन कैन सर्वाइव इवन विथ 1 किडनी, हाउ एवर इन केस बोथ द किडनीज आर डैमेज इट इज डिफिकल्ट टू रिमेन अलाइव। मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैन नाउ सेव सच पेशेंट्स विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्निक्स लाइक डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट। Shows the setup of an artificial kidney. A tube is inserted in an artery in the patient's arm or leg. The tube is connected to the kidney machine. This plastic tube has 2 membranes so as to form 1 tube within the other. In the inner tube flows blood from patient's artery. This blood is surrounded by blood, dialysis blood in the outer tube, separated from it by the membrane of the inner tube. Best remove out of blood into the fluid. The blood cleaned off its waste goes back from the kidney machine into the vein in the arm of leg and back into the body. The dialysis fluid carrying vessels removed from the machine. This technique is termed dialysis. Nowadays, a surgeon may sometimes remove a non-functioning kidney from a patient and replace it with a kidney donated by another person. Care, however, has to be taken so that a foreign kidney get accepted the body to the recipient. Here is the mechanism of artificial kidney of kidney dialysis. Figure 22.17 shows artificial kidney. So let's understand this topic. हम लोग को क्या होता है कि जब कोई हम लोग को कोई ऐसा डिजीज हो जाता है, फिर जब एक्सीडेंट हो जाता है कोई ऐसा, तो उसमें हमारा जो किडनी है वो फेल हो जाता है। एक किडनी फेल हो जाता है तो उतना मतलब कि हम लोग दूसरी किडनी में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक किडनी में मिलियंस ऑफ नंबर्स होते हैं, तो एक जो पर्सन है वो एक किडनी के साथ सर्वाइव कर सकता है। अगर हम लोग का जो है वो जब दोनों किडनी डैमेज हो जाए, जब दोनों किडनी फेल हो जाए, तो जो पर्सन है उसका जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो क्या किया है, ऐसे पेशेंट जिनका दोनों
किडनी खराब हो गया है उसे वो डायलिसिस पे रखते हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं। और यहाँ पे आपका फिगर मैंने दिखा दिया कि कैसे एक पेशेंट का आर्टिफिशियल किडनी के मतलब कि वहाँ पे डायलिसिस दिखाया जा रहा है, किडनी डायलिसिस, ठीक है। और जो एक ट्यूब है वो क्या किया जाता है, आर्टरी में इंसर्ट किया जाता है पेशेंट के, वो चाहे आर्म हो या लेग हो। वहां पे जो ट्यूब होता है वो किडनी मशीन से कनेक्ट हुआ रहता है, और जो प्लास्टिक ट्यूब है उसके दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक ट्यूब और एक ट्यूब दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और जो ट्यूब के जो इनर में होता है वो ब्लड क्या करता है, पेशेंट्स के आर्टरी के पास फ्लो करते रहता है। और जो ब्लड जो बाहर होता है वो जो डायलिसिस फ्लड है वो क्या करता है, आउटर ट्यूब से सेपरेट होके इनर ट्यूब के मेम्ब्रेन तक जाता है। और जो बेस्ट होता है हमारे बॉडी से मतलब जो पेशेंट के बॉडी से, वो क्या करता है, मूव आउट करता है ब्लड के थ्रू फ्लड के साथ। और जो ब्लड होता है वो क्या करता है, वेस्ट को क्लीन करता है किडनी से किडनी मशीन के थ्रू, और इसे आर्म या लेग जो है वहां पे वो बॉडी के जहाँ पे वो मशीन लगा रहता है वहां पे वो बैक करता है। और जो भी ये डायलिसिस जो फ्लड कैरी कर रहा है, जिसे जो मशीन है वो वेस्ट को रिमूव कर रहा है बॉडी से, तो इस जो टेक्निक है उसे डायलिसिस बोलेंगे। आज के दिन में जो एक सर्जन है वो क्या करता है, कुछ कभी कभी जब कोई किडनी जब फंक्शन नहीं कर रहा तो उसे रिमूव कर दिया जाता है पेशेंट से, और वहां पे उसका न्यू किडनी रिप्लेस कर दिया जाता है जो कि डोनर के द्वारा डोनेटेड रहता है। लेकिन इसका भी हमें एक ध्यान रखना होता है कि कैसे अगर फॉरेन कोई मतलब फॉरेन किडनी मतलब कि विदेशी किडनी नहीं, यहाँ पे मतलब कि दूसरे बॉडी से लिया हुआ किडनी जो आप दूसरे पेशेंट में मतलब दूसरे से लिए हो, दूसरे में आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो, तो यहाँ पे ये चीज है कि हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि जो किडनी है दूसरे का वो हमारा जो पेशेंट है उसको वो एक्सेप्ट कर पाए। इसके लिए कुछ खास बातों की ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। नाउ वी हैव एंड दिस चैप्टर एंड हियर इज द इन टेक्स्ट क्वेश्चन 22.9। वेल चैप्टर खत्म हो चुका है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे को सॉल्व करने का कोशिश करें, और हम आंसर एक दिखाते जा रहे हैं वन वन करके। पहले ये टर्मिनल एक्सरसाइज जो है वो देख लीजिए, उसके बाद आंसर पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद अगर समझ में नहीं आता है तब आंसर का यूज करें, और जो नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखे, हम लोग उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये रहा आंसर। सारे का आंसर दिया हुआ, सिर्फ टर्मिनल एक्सरसाइज का नहीं दिया हुआ है। टर्मिनल एक्सरसाइज का आंसर एक्सरसाइज के बीच में से मिल जाएगा, आप ढूंढ लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम लोग अगले चैप्टर में लाइफ प्रोसेस 2 पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू एवरीवन।